आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी कृष्ण एंड सुदामा। कृष्ण एंड सुदामा, कृष्ण और सुदामा कौन थे? दोनों बचपन के दोस्त थे। जैसे आज के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उस तरह से वो लोग साथ में कहाँ पढ़े थे? गुरुकुल में। कहाँ पढ़े थे? गुरुकुल में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कृष्ण एंड सुदामा, क्या है? कृष्णा एंड सुदामा वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। कैसे दोस्त थे? बहुत अच्छे दोस्त थे। ड्यूरिंग देयर डेज एट द गुरुकुल, जब वो कहाँ पे पढ़ते थे? गुरुकुल में। जब वो बड़े हुए, कृष्ण बिकेम द किंग ऑफ द्वारका। कृष्ण भगवान क्या बन गए? कृष्णा क्या हो गए? राजा बने कहाँ के? द्वारका के। कृष्णा, देखो, कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारका। तो क्वेश्चन रहेगा कि कृष्णा कहाँ के राजा बने? तो कहाँ के बने? द्वारका के। व्हाट हैपन टू सुदामा व्हाइल सुदामा रिमेंड पुअर, लेकिन सुदामा अभी भी गरीब ही थे। ही मैरिड अ नोबल बट पुअर लेडी, और सुदामा ने, यहाँ पर ही किसके लिए आया है? सुदामा के लिए। तो ही मैरिड अ नोबल, बहुत ही सीधी विनम्र लड़की से उनकी शादी हुई, जो बहुत अच्छी थी, नोबल थी। क्या थी? नोबल थी, बट पुअर लेडी। एंड दे हैड मैनी चिल्ड्रन, और उनके बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर ध्यान रखो, मैनी मीन्स, मैनी का मतलब कई, और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। अब यहाँ पर एक चीज़, नई चीज़ सीख लो, अगर एक बच्चा रहता है तो उसको चाइल्ड बोलते हैं, और एक से ज़्यादा तो क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन। ओके, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड सुदामा हैव? तो लिखोगे, सुदामा हैड मैनी चिल्ड्रन। बट ऑफन, लेकिन देखो क्या था, उनके बहुत बच्चे थे। बट ऑफन यानी अक्सर ऐसा होता कि देयर वॉज नो फूड एट होम, घर पे उनके खाना नहीं होता। एंड द फैमिली हैड टू स्टार्व, फैमिली हैड टू स्टार्व यानी भूखे रह जाती फैमिली। कह सकते हो स्टार्व यानी क्या? जब खाना नहीं होता है, भूख, मतलब आपको भूख लगी रहती है लेकिन खाना नहीं होता, उनको भूखे रहना पड़ता। तब सुदामा की वाइफ ने, और देखो तब नहीं, सुदामा की वाइफ हमेशा उनको याद दिलाती। क्या याद दिलाती? देखो, वेट अ मिनट। हाँ, सुदामाज वाइफ ऑफन रिमाइंडेड हिम ऑफ कृष्णा। सुदामा की वाइफ जो थी, ऑफन हमेशा किसको याद दिलाती थी? सुदामा को याद दिलाती थी कृष्णा के बारे में। देखो, सुदामाज वाइफ ऑफन रिमाइंडेड मतलब याद दिलाती थी हिम, किसे? सुदामा को। किसके बारे में? कृष्णा के बारे में। और बोलती, कृष्ण इज नाउ अ ग्रेट किंग, वो बोलती कि कृष्ण क्या है, बहुत बड़े राजा हो गए हैं। एंड हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी, सुदामा की वाइफ ने, उसकी पत्नी ने सुदामा से कहा कि कृष्ण बहुत बड़े राजा हो गए हैं और उनके पास क्या है? प्लेंटी ऑफ मनी, ढेर सारे पैसे हैं। ही विल श्योरली, फिर वो बोलती, सुदामा को बोलती कि आप उनके पास जाइए, एंड ही विल श्योरली यानी ज़रूर से बहुत खुश होंगे। ही विल श्योरली बी हैप्पी टू हेल्प यू। किसने कहा? सुदामा की वाइफ कहती किससे? सुदामा से। बट सुदामा वॉज नॉट रेडी टू गो, वो जाने को तैयार नहीं होते। देन हिज वाइफ आस्क्ड, व्हाई डोंट यू गो टू हिम, तुम उनके, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? कौन पूछती? सुदामा की वाइफ किससे? सुदामा से। इन द बिगनिंग, शुरू शुरू में, देखो
शुरुआत में जब सुदामा की पत्नी उनको बोलती कृष्ण के पास जाने के लिए, सुदामा वॉज अनविलिंग। अनविलिंग वर्ड कब यूज़ करते हैं? जब आप कोई काम नहीं करना चाहते हो। आपको कोई काम करने के लिए कह रहा है, घर में भी कोई कह रहा है कि तुम ये काम करो बेटा, तुम ये काम करो, लेकिन आप वो काम करना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पर वर्ड क्या यूज़ करोगे? अनविलिंग। सो शुरू शुरू में सुदामा की पत्नी जब उनको बोली कृष्ण के पास जाने के लिए, तो सुदामा वॉज अनविलिंग। सुदामा क्या थे? अनविलिंग थे, यानी उनको जाने का मन नहीं किया। बट हार्ड टाइम्स यानी मुश्किल के समय उनके कंटिन्यूड रहे। बट हार्ड टाइम्स कंटिन्यूड, उनके मुश्किल समय चलते रहे। एंड ही हैड टू एग्री, वो एग्री किए। एग्री करने का मतलब क्या? जो उनकी वाइफ बोल रही थी उस बात को उन्होंने मान ली। जैसे अगर मान लीजिए आपके पापा मम्मी आपको कोई काम करने के लिए बोलते हैं और पहले आप तैयार नहीं होते हो, आपको वो काम करने का मन नहीं करता है, तो आपको कहा जाएगा कि यू आर अनविलिंग। लेकिन फिर आप तैयार हो जाते हो कि ठीक है मैं ये काम करूँगा, तो आप क्या हो गए? तो कहा जाएगा कि आप अग्री हो गए वो काम को करने के लिए। तो वैसे ही सुदामा भी तैयार हो गए, एग्री हो गए कि ठीक है वो कृष्ण के पास जाएंगे मदद मांगने। लेकिन जाने से पहले बिफोर लिविंग सुदामा जब कृष्ण के पास जाने लगे, तो जाने के पहले उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, क्या कहा? आई एम गोइंग टू मीट अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। हाउ कैन आई गो एम्प्टी हैंडेड, मैं खाली हाथ कैसे जाऊँ? देखो हम लोग अपने फ्रेंड के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाते ही हैं। तो सुदामा ने अपनी वाइफ से कहा, आई शुड टेक सम ऑफरिंग फॉर हिम। ऑफरिंग यानी कुछ तो ले जाना चाहिए ना, जब हम लोग जाते हैं तो उसके लिए कुछ ले जाना चाहिए। तो उनकी वाइफ ने उन्हें क्या दिया? देखो शी किसके लिए यूज़ करते हैं? गर्ल या वुमन के लिए, जब वो एक गर्ल या एक वुमन को रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पे शी किसके लिए आया है? सुदामा की वाइफ के लिए। शी गेव हिम अ लिटिल पफ्ड राइस। पफ्ड राइस जानते हो, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? भूंजा बोलते हो, दैट इज़ कॉल्ड पफ्ड राइस। आप लोग भी खाते होगे। तो उनकी वाइफ ने उन्हें दे दिया पफ्ड राइस इन ए स्मॉल बंडल। दैट वॉज ऑल दे कुड एफोर्ड, वही वो लोग एफोर्ड कर सकते थे। वो तो बहुत गरीब थे, तो उससे ज़्यादा वो कुछ खरीद नहीं सकते थे, तो उसको बोलते हैं एफोर्ड करना, उतना ही वो एफोर्ड कर सकते थे। आफ्टर वॉकिंग फॉर मेनी डेज, कई दिन तक चलने के बाद, देखो क्या कह रहा है, आफ्टर वॉकिंग फॉर मेनी डेज सुदामा रीच्ड मतलब पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? द्वारका में। कहाँ पहुँचे? द्वारका में। कितने दिनों के बाद? आफ्टर वॉकिंग फॉर मेनी डेज, क्योंकि उस समय तो ट्रेन नहीं थी, बसें नहीं चलती थी, तो वो पैदल ही जा रहे थे। ही लुक्ड शाबी, वो कैसे दिख रहे थे? उनके कपड़े गंदे थे, फटे थे, तो वो बहुत ही शाबी दिख रहे थे। मैंने बताया भी था कि शाबी वर्ड हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हम बहुत थक जाते हैं, हमारे कपड़े गंदे होते हैं, हमारे बाल बिखरे होते हैं, हम ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, तो शाबी वर्ड यूज़ करते हैं। सो ही किसके लिए यूज़ हुआ है? सुदामा के लिए। ही लुक्ड शाबी इन हिज डर्टी एंड टैटर्ड क्लोथ्स। टैटर्ड यानी उनके कपड़े फट गए थे और कपड़े गंदे थे। He was tired. Tired word कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग कोई काम करते करते बहुत थक जाते हैं, चलते चलते थक जाएं या काम करते करते थक जाएं, तो आप अपने लिए भी बोल सकते हो, किसी और के लिए भी बोल सकते हो, I am tired. He is tired. मतलब थक गया। तो he was tired and his feet were sore. उनके पैर जो थे उसमें swelling आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ? As he stood outside, जब वो कृष्ण के महल के पास पहुँचे,
तो वो महल के सामने खड़े हो गए. एज ही स्टूड आउटसाइड कृष्णाज ग्रैंड पैलेस. ग्रैंड पैलेस मीन्स बहुत बड़ा महल. पैलेस का मतलब महल. ही वंडर्ड, अब वो सोचने लगे वेदर कृष्णा वुड इवन रिकग्नाइज हिम. वो सोचने लगे कि क्या कृष्ण उन्हें रिकग्नाइज करेंगे. रिकग्नाइज यानी पहचानेंगे. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक बार. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक बार तो उनको ऐसा फील हुआ. उन्होंने सोचा ही इवन डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस चले जाएंगे. टू टर्न बैक. बट द थॉट ऑफ हिज स्टार्विंग चिल्ड्रन, लेकिन जब उनके उन्होंने सोचा अपने भूखे बच्चों के बारे में, तो उन्हें हिम्मत मिली. गिव हिम करेज. उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं जब आया हूँ तो कृष्णा के पास ज़रूर जाऊँगा. एंड ही सेंट अ मैसेज. उन्होंने एक मैसेज भेजा किसको, कृष्णा को. किसको मैसेज भेजा, कृष्ण को. कृष्ण को जब मैसेज मिला तो कृष्ण इमीडिएटली यानी तुरंत से, कैसे, जल्दी से. इमीडिएटली केम आउट. कृष्ण तुरंत से बाहर निकले. हग्ड सुदामा. हग्ड मीन्स गले लगा लिया. किसको, सुदामा को. कैसे, लविंगली, बहुत प्यार से. एंड टुक हिम इनसाइड द पैलेस. और कृष्ण सुदामा को कहाँ ले गए, महल के अंदर. इनसाइड यानी अंदर, किसके अंदर, महल के. कृष्ण वाइफ रुक्मिणी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ कृष्ण वाइफ, कृष्णाज वाइफ, तो बोलोगे रुक्मिणी. कृष्णाज वाइफ रुक्मिणी ऑल्सो वेलकम्ड हिम वार्मली. वार्मली यानी खुशी खुशी. वार्मली कब यूज़ करते हैं हम, जब हमारे यहाँ कोई आता है तो उसका बहुत खुशी से आप स्वागत करते हो, बहुत खुश हो जाते हो, तो हम बोलते हैं, तब बोलेंगे कि ही वेलकम्ड मी वार्मली. या आप किसी के यहाँ गए और आपको देखकर कोई बहुत खुश हो गया, तो आप घर आके कैसे बोलोगे, ही वेलकम्ड मी वार्मली. ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं. देखो, यू कैन सी द पिक्चर हाउ कृष्णा वॉज हैप्पी. देखो कृष्ण कैसे पैर धो रहे हैं, किसके, सुदामा के. एंड शी इज रुक्मिणी. ओके, नाउ सी, टुगेदर मीन्स दोनों एक साथ. कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और कृष्ण की वाइफ रुक्मिणी, दोनों ने मिलकर क्या किया, टुगेदर दे वॉश्ड हिज फीट, उनके पैर धोए. मेड हिम सिट ऑन अ थ्रोन. थ्रोन यानी जिस राजा, जिस गद्दी पे राजा कृष्ण बैठते थे उस पे उन्हें बैठा. रुको, लेट मी शो यू द थ्रोन. दिस इज़ द थ्रोन ऑफ कृष्णा. गद्दी पर जिस पे बैठे थे, देखो सुदामा को वहाँ बैठाया. और क्या किया, देखो, एंड सर्व्ड हिम, और उन्हें खाने के लिए दिया. सर्व्ड हिम अ सम्प्टुअस मील. और कैसा खाना दिया, बहुत रिच मील दिया. सब कुछ, बहुत तरह के खाने के आइटम्स थे. सुदामा फेल्ट अशेम्ड. अब पता है, तुम्हें याद है सुदामा की वाइफ ने उनको क्या दिया था कृष्ण को देने के लिए, पफ्ड राइस. पर सुदामा फेल्ट अशेम्ड, उनको शर्म आने लगी कि अरे, जो इतना बड़ा राजा है उसको वो पफ्ड राइस कैसे देंगे. सो सुदामा फेल्ट अशेम्ड ऑफ द पफ्ड राइस ही हैड ब्रॉट फॉर कृष्णा. बट कृष्णा सॉ द बंडल. लेकिन कृष्ण ने तो बंडल देख लिया था, बंडल, पोटली. किसकी पोटली देख ली थी, स्नफ्ड राइस की. सो उन्होंने क्या कर लिया, स्नैच कर लिया. किससे छीन लिया, फ्रॉम सुदामा. एंड एट द राइस विथ ग्रेट रेलिश. बहुत मज़े से खाने लगे, उनको वो बहुत टेस्टी लगा. जैसे आपको कोई खाना दिया जाता है तो खाना कैसे आपको अच्छा लगता है, तो बहुत टेस्ट के साथ खाते हो, तो वैसे ही कृष्ण वो पफ्ड राइस लेके बहुत ही मज़े से खाने लगे, विथ ग्रेट रेलिश. सुदामा स्टेड, वेट, लेट मी जूम इट. सुदामा
वेट अ मिनट, देखो अब क्या हुआ, वेट अ मिनट, यहाँ पे हाँ देखो, सुदामा स्टेड, स्टेड यानी रुके, किसके साथ, विथ कृष्णा, कृष्णा के साथ रुके, कब तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक रहे, बट नॉट इवन वंस, लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं कहा, बट नॉट इवन वंस डिड ही आस्क फॉर एनी हेल्प, ठीक है, एक बार भी मदद नहीं मांगी। फाइनली अंत में क्या हुआ, फाइनली ही टुक लीव ऑफ कृष्णा, उन्होंने कृष्णा से विदा लिया एंड लेफ्ट द्वारका, द्वारका से चल पड़े। जब वो अपने घर पहुँचे, देखो व्हेन ही रीच्ड हिज विलेज, कौन, सुदामा जब अपने गांव पहुँचे, ही वॉज सरप्राइज्ड, उनको बहुत आश्चर्य हुआ, ही वॉज सरप्राइज्ड, ही हु वॉज सरप्राइज्ड, सुदामा वॉज सरप्राइज्ड टू सी अ ब्यूटिफुल हाउस, एक सुंदर सा घर देखा, एट द साइट ऑफ हिज हट, जहाँ पर उनकी झोपड़ी थी उसके जगह पर उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा सा घर देखा। एंड हिज वाइफ केम आउट टू रिसीव, और उनकी वाइफ बाहर निकली टू रिसीव हिम, वियरिंग ब्यूटिफुल क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, सुंदर सा ड्रेस और ज्वेलरी पहने हुए। ओके, तो बताओ किसने दिया था, तो देखो अब आप बता सकते हो कि सुदामा की झोपड़ी के जगह पर महल किसने दिया था, किसने दिया था, कृष्ण ने, और साड़ी ज्वेलरी और क्लोथ्स भी दिए, ये हो गया। आप देखो यहाँ पे सेकेंड वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।